हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडीज जोन। प्यारे बच्चों, क्लास 11th का फाइनल एग्जाम पेपर 2022-23 सेशन का यहां पर चल रहा है फिजिक्स एमपी बोर्ड का, और हम लेकर के आ रहे हैं आप पार्ट नंबर 3 कक्षा 11वीं का। हम यहां पर आपको पेपर करवा रहे हैं, तो देर ना करते हुए आइए सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 से अब स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा सही जोड़ी का मिलान करना है, तो वन बाय वन देखते हैं। मेरे ख्याल से, मेरे विचारों में यही क्वेश्चन जो था सबसे ज़्यादा बॉस तगड़ा क्वेश्चन आया था ये। इसके अलावा सारे क्वेश्चन तो मेरे को कुछ खास नहीं दिखे, हाँ यही क्वेश्चन थोड़ा दमदार था। तो देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि इसमें पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये दिया है। पहले पार्ट में कह रहा है गैस का दाब बताइए। तो गैस का दाब, तो भाई साहब गैस के दाब का जो फॉर्मूला होता है, गैस का दाब जो होता है दैट इज इक्वल टू 1/3 ओके एन ओके स्मॉल एफ गैस के एटम्स का वेट, और वी बार यानी कि एवरेज वेलोसिटी का क्या होता है होल स्क्वायर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या दिखाई दे रहा है, फर्स्ट का आंसर अगर आप देखें तो यहाँ पर डी चमक रहा है साफ साफ आपको। ओके, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो चुका है, डी हो चुका है। आर्गन गैस की स्वतंत्रता की कोटि, तो स्वतंत्रता की कोटि मैंने आपको पढ़ाई थी। आर्गन क्या है, आर्गन एक इनर्ट गैस है, एक परमाणविक यानी कि मोनो एटॉमिक गैस है। एक परमाणविक गैस की स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है भाई साहब, 3 हुआ करती है। ओके, एक परमाणविक गैस की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है, 3 हुआ करती है। ओके, एंड देन इसके बाद बात करते हैं CP/CV। तो CP/CV ओके, CP/CV का फॉर्मूला आपको पता चलना चाहिए। CP/CV का फॉर्मूला होना चाहिए CP/CV इक्वल टू 1+2/F। इसको थोड़ा सा हल कर लें तो F+2/F हो जाएगा। ओके, अब आप यहाँ पर F क्या होती है, F यहाँ पे स्वतंत्रता की कोटि होती है। F का मान रखते जाइए और आपको आंसर मिलता जाएगा। तो सबसे पहले मैं F का मान रखता हूँ, एक परमाणविक गैसों के लिए स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है, 3 होती है। ऊपर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो अगर मैं F का मान 3 रखता हूँ तो देखिए मेरे पास CP/CV का मान कितना आएगा। CP/CV मेरे पास F+2/F यानी कि 3+2/3 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 5/3। तो 5/3 यहाँ पे मैच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर कितना हो गया इसका, बी ऑप्शन हो गया। मतलब पहले वाले का ऑप्शन क्या है, डी है। दूसरे वाले का स्वतंत्रता की कोटि का आंसर क्या है, ए है। और थर्ड वाले का ऑप्शन जो है वो क्या है, बी है। तो सारे के सारे यहाँ पे मैच हो चुके हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला, अगला वाला। आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल आपको बताना है। आदर्श गैस आपके पास होती है, आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल, अनुदैर्ध्य तरंग की जो स्पीड हुआ करती है वो आपको बतानी है आदर्श गैस में। तो आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू √P/ρ। ओके, आदर्श गैस में जो आपकी अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की जो चाल हुआ करती है वो कितनी होती है, वो होती है √P/ρ। ओके, अब बात करते हैं अगला, ठोस में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल आपको बताना है कि ठोस में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल क्या हुआ करती है। तो ठोस के अंदर जो अनुदैर्ध्य तरंग की चाल होती है वो होती है √γ/ρ, ये हुआ करती है। ठोस के अंदर जो चाल होती है वो ऑप्शन बी होगा, ठोस के अंदर अनुदैर्ध्य चरंग की जो अरे मैंने γ/ρ करना था, ये कर दिया, सॉरी, गामा तो नीचे बैठा हुआ ना, फिर ये क्यों कर दिया मैंने, यस थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। ये देखिए, ये है γ/ρ, यस। तो ठोस के अंदर जो होता है वो होता है चाल γ/ρ। तनित डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल, तनित डोरी मतलब स्ट्रेच जो डोरी हुआ करती है, खिंची हुई डोरी, उसके अंदर जो चाल हुआ करती है वो कितनी होती है, वो होती है दैट इज इक्वल टू √T/μ। म्यू मतलब प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान है ना, म्यू कितना होता है प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान, M/L होता है। और टी क्या होता है, इसका तनाव होता है, तनन है ना, टेंशन। और तरंग की चाल का तो सीधे फॉर्मूला लगा दिया, वी इक्वल टू √λ। ओके, तो इसका फॉर्मूला सीधे ए हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। सो वी इक्वल्स टू क्या हो गया, √λ, वी इक्वल्स टू √λ। तो यदि मैं सीरियसली लिख दूं तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या है, फर्स्ट वाले का आंसर जा रहा है डी में। ओके, सेकेंड वाले का आंसर सी में जा रहा है, सेकेंड वाला सी है। थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला आपका क्या है, ए बी है, थर्ड वाला आपका बी ऑप्शन है। और फोर्थ ऑप्शन का आंसर क्या है, ए है, फोर्थ का क्या है, ए है। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है, 1, 2, 3, 4 मैंने चारों बता दिए और ऊपर के भी 3 मैंने बता दिए हैं, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब चलो चलते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के शुरू हो चुके हैं, और मैं अभी तक जो मैंने पेपर देखा है, मेरे को यहाँ पर क्वेश्चन जो 4 नंबर था वो थोड़ा सा दमदार लगा, बाकी तो सब कुछ नॉर्मल पढ़ाया हुआ आया है।
चलिए, बल के मात्रक न्यूटन को मूल मात्रकों में व्यक्त करो। लियो भाई साहब बहुत ही बढ़िया चीज़ पूछ ली है। तो बल का जो विमीय सूत्र होता है वो कितना होता है? बल का विमीय सूत्र होता है MLT^-2, यही होता है ना, MLT^-2 है ना। तो इसको बोलना है, इसको मूल मात्रक, मूल मात्रक मतलब वही लंबाई, द्रव्यमान, समय जो होते हैं उनके मात्रक जो होते हैं मूल मात्रक। तो एम का मतलब क्या होता है? किलोग्राम। तो इसका मात्रक हो गया किलोग्राम, इसका मात्रक हो गया मीटर, और इसका मात्रक हो गया पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर खत्म हुआ। और इसका विमीय सूत्र ये मैंने पहले ही लिख दिया, विमीय सूत्र, तो डब्बा बना के विमीय सूत्र लिख दीजिएगा आप। इसका मूल मात्रक कितना हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो अगला है, यदि जूल मीटर और सेकंड को मूल मात्रक माना जाए तो द्रव्यमान का मात्रक ज्ञात कीजिए। लो भाई साहब, अगर कह रहा जूल मीटर और सेकंड को मूल मात्रक माना जाए तो द्रव्यमान का मात्रक ज्ञात कीजिए। घुमा करके क्वेश्चन को दे दिया। आप सब लोग जानते हो कि वर्क जो होता है जूल में नापा जाता है, और इसका जो मिमी सूत्र होता है वो कितना होता है? ML^(-2)। तो कह रहा है कि जो वर्क का इकाई है जूल, उसको भी मात्रक मान लो। तो m का मात्रक आपको निकालना है L^(-2)। तो एक काम करो, m को रोक लो, द्रव्यमान को रोक लो, और जूल के नीचे किसके जान दो? l को जान दो और T^-2 को जान दो। फाइनल आपका आंसर आ चुका है। m का मात्रक जो होगा दैट इज इक्वल टू जूल, ओके, L^-2, ओके, और T^ कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो ये आंसर है, जिन लोगों ने इसका सेकेंड पार्ट किया होगा उनका आंसर ये आ जाएगा। चलो भाई साहब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा है, समय कम है। आराम आराम से देखो आप लोग इसको, वीडियो को रिप्ले करके बार बार देखो, समझ में नहीं आ रहा तो। किसी सदिश A को XY में वियोजित किया गया है, वियोजित करके लिखे। लो भाई साहब, किसी को XY में वियोजित किया गया है तो सदिश A ले लो। इसको मैं आपको स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन पे करता हूँ, देखिए कैसे करेंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सेकेंड नहीं, सिक्स्थ है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स को कैसे करेंगे? ये आपके पास कोई सदिश A है, ओके, ये सदिश A है, तो इसका A सदिश का परिमाण क्या होगा? सदिश A का परिमाण क्या होगा? सदिश A का परिमाण होगा सदिश A मॉड A, बोलते हैं इसको मॉड A, ओके। अब मॉड A का यहाँ पर जो कंपोनेंट टूटेगा वो कितना होगा? इस लंबाई को क्या बोलते हो? AX बोलते हो। क्या बोलते हो? AX। और इस लंबाई को क्या बोलते हो आप? AY। इस लंबाई को बोलते हो AY। तो इस दिशा में जो घटक बनेगा वो क्या बनेगा? मैं क्या लिख सकता हूँ? AXI के कैसे बनेगा? A बराबर x दिशा का घटक AXI के प्लस AYJ के। सो सिंपल क्वेश्चन, बस हो गया। अब आप देखो यहाँ से, ये एंगल अगर थीटा है तो आप A का वैल्यू रख दो। A बराबर AX मतलब सदिश A का x दिशा में घटक कितना होता है? A cos थीटा I के प्लस इसका क्या हो जाएगा? A sin थीटा J कैप। ये हो गया कंप्लीट, A cos थीटा I कैप, A sin थीटा J कैप। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मतलब आपने मेरा पुराना चैप्टर वाला वीडियो नहीं देखा इसलिए आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, ओके। फिर भी अब एग्जाम है तो मैं सोल्यूशन कराऊंगा, कंसेप्ट तो ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकता। वृत्ति गति के लिए आवृत्ति और आवर्तकाल की परिभाषा। एक वृत्ति गति करता हुआ कण अपने एक चक्रण को जितने समय में कंप्लीट करता है वो उसका आवर्तकाल है, और एक सेकंड में जितने चक्रण कंप्लीट करता है वो उसकी आवृत्ति है। तो दो मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें एक एक मार्क्स की परिभाषा आ जाएंगी। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, बच्चा जानता है यदि कोई जड़त्व के नियम को न्यूटन की गति का प्रथम नियम बोलते हैं। अगला, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। अगर किसी वस्तु, किसी निकाय पर लगने वाला बाहरी बल जीरो हो तो उस निकाय का संवेग जो होता है वो क्या रहता है? संरक्षित रहता है, ओके। अगर बाह्य बल जीरो हो तो निकाय का संवेग जो होता है वो क्या रहता है? संरक्षित रहता है। मतलब डेल्टा पी इक्वल टू जीरो, यानी पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, मतलब प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिशील 600 किलोग्राम के वाहन को ब्रेक लगाने पर यह 20 सेकंड में रुक जाता है, अवरोधक बल की गणना करना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, देखो भाई इसको हम सॉल्व करना पड़ेगा, इसको हम सॉल्व करने लेके चलते हैं और इसको बराबर से बनाएंगे दोनों क्वेश्चन को। पहले पहला पार्ट करेंगे फिर दूसरा पार्ट करेंगे ना। हाँ जी भाई आ जाओ, ये आ गया क्वेश्चन अपने पास। देखिए क्या कह रहा अपने पास में, कह रहा 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता हुआ कण इसके वाहन को ब्रेक लगाकर 20 सेकंड में रोका जाता है, अवरोधक बल की गणना करना। आपको सबसे पहले त्वरण निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? त्वरण। तो त्वरण क्या होता है? त्वरण इक्वल टू होता है वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। तो भाई साहब आपको पहला वेग तो दिया गया है, अंतिम वेग कितना हो गया? जीरो हो चुका है। तो अंतिम वेग कितना हो गया? जीरो, क्योंकि बॉडी रुक गया तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। पहला वेग कितना है? 90 किलोमीटर पर आवर है, तो 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो तो कितना? 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 से कितने बार? 5 बार 90, 5×5 हो गया 25। तो प्रारंभिक वेग कितना है? 25 है। और समय कितना लगा है भाई साहब? 20 सेकंड में रुक गया, ये 20 सेकंड है। चलो तो आंसर कितना आ गया, जो त्वरण है अवरोधक त्वरण कितना आ गया? -25/20 आएगा ना, 20
मीटर पर सेकेंड, काटाकुटी कर दो 5 से 4 बार, 5 बार -5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत सही, ये आ गया। अब कह रहा अवरोधक बल की गणना करना है, कितने सेकंड में रुक जाता है, 20 सेकंड में। वाहन का द्रव्यमान कितना है, 600 किलोग्राम है। चलो तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान कितना है, 600 है, ओके किलोग्राम कर लो, और त्वरण कितना है, -5/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके काट दो 4 से, कितने बार कट गया, 600 150 बार है ना, 4 से 4 15 60 और 0 हो गया, ठीक है। 150 मल्टीप्लाई बाई -5 15 5 75 -750 ओके किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लगेगा आपका त्वरण अवरोधक बल, सॉरी कितना, -750 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का अवरोधक बल लगेगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो और वाला, ठीक है ना, ये वाला करेंगे सेकेंड वाला पार्ट। क्या कह रहा है, 5 किलोग्राम, सहती का मतलब होता है द्रव्यमान, है ना, वैसे किलोग्राम दे दिया तो बच्चे लोग समझ गए होंगे, के पिंड पर एक 8 न्यूटन और 6 न्यूटन का 2 लंबवत बल लगता है। मज़ेदार क्वेश्चन, ये पिंड बना लो 5 किलोग्राम का, इस पे एक 8 न्यूटन का लग रहा है और इस पे एक 6 न्यूटन का लग रहा है ये बल, ठीक है ना। लंबवत बल है मतलब दोनों के बीच का कोण कितने डिग्री, 90 डिग्री है, 90 लिखने का जरूरत नहीं, ये लंबवत आपको समझ में आएगा। तो इसका परिणामी बल निकाल लो, तो परिणामी बल आपको पता है F रिजल्टेंट बराबर लंबवत के केस में क्या होता है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, यही होता है ना, पता होगा आप लोग को। F1 ये कितना आएगा, 64 है, ये कितना जाएगा, 36 जाएगा, 100 अंदर कितना बड़ा, √100 कितना आ गया, 10 न्यूटन आ गया, ओके बहुत बढ़िया। 10 न्यूटन क्या फाइनली फाइंड करने को बोल रहा, फोर्स फाइंड करने को बोल रहा, पिंड के त्वरण का परिमाण। भाई साहब आपसे एक्सेलरेशन पूछा है, वाह वाह बहुत बढ़िया, तो आपसे ये फोर्स आ गया, तो आप जानते हो सब लोग फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना फील कर रहा है, 10 न्यूटन, मास कितना है, मास कितना, 200 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, बहुत बढ़िया। तो मास आपको कितना दिया है, 5 किलोग्राम दिया है, ओके, और एक्सेलरेशन आपको निकालना है, ओके ए को रख दो, तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 10/5, 5 से कट गया कितने बार, 2 बार, आंसर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही शानदार सा प्यारा सा क्वेश्चन, भोला सा क्वेश्चन आया एकदम, ओके आंसर कितना होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लोग इसको देख करके लिख लो एक बार, जो नहीं लिख पाए उनके लिए पहला पार्ट है, पहला पार्ट भी बहुत ईजी था और दूसरा पार्ट तो उससे भी ज़्यादा ईजी है, ठीक है ना। दूसरे पार्ट में तो कुछ भी नहीं, फोर्स का रिजल्टेंट निकालो और क्या करना है आपको, आपको डिवाइड कर देना है उसको मास से, तो एक्सेलरेशन बन जाएगा। एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण बोलते हैं। चलो फिर बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हैं, ये हो गया क्वेश्चन, ओके। नाउ ग्रहों की गति संबंधी कक्षा का नियम लिखना है, हाँ तो लॉ ऑफ ऑर्बिट लिखना है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, पहले ही नियम है लॉ ऑफ ऑर्बिट कि जो आपका प्लैनेट होता है, जो प्लैनेट गति करता है, आपका प्लैनेट जो होता है वो इलेप्टिकल शेप यानी और दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करता है, जिसमें सन जो होता है इसकी नाभि में उपस्थित होता है। सन जो होते, 2 नाभियाँ होती हैं, S1 या S2, तो एट अ टाइम सन जो होगा किसी एक नाभि पर उपस्थित होगा। ये आपका ग्रह का गति संबंधी कक्षा का नियम आपने लिख दिया है, ठीक है, ओके। भारहीनता, भारहीनता क्या होता है, अगर किसी भी वस्तु पर लगने वाला कुल गुरुत्वीय त्वरण, कुल त्वरण 0 के बराबर हो जाता है, ओके कुल त्वरण कितना होता है, 0 के बराबर हो जाता है, तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, उस पर भारहीनता बोलते हैं, ओके। इस समय इस पर लगने वाला जो नेट बल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज इस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, 0 हो जाएगा, तो ये आपका नेट बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा इस वीडियो के। तांबे के चादर में एक छिद्र किया गया 27 डिग्री पर, 44.24 सेंटीमीटर है, धातु की चादर को गर्म कर दिया जाए तो छिद्र का व्यास कितना हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आया है किससे आया है, ये रेखीय प्रसार गुणांक से आया है, और आयतन और रेखीय के बाद क्या था अपना, कौन सा, सरफेस यानी कि पृष्ठीय प्रसार गुणांक से आया हुआ है ये क्वेश्चन। इसके और में भी मेरे ख्याल से ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होगा, हाँ ये देखो, ठीक ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक हीटर किसी निकाय को 100 वाट की दर से ऊष्मा प्रदान कर रहा है, यदि निकाय में 75 जूल प्रति सेकंड की दर से कार्य कर रहा हो तो आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि किस दर से हो रही होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन तो मैं क्या बोलूँ इसको, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत इसको सिंपल क्वेश्चन दे दिया इन लोगों ने। एक हीटर किसी निकाय, आप लोग जानते हो ना ये ऊष्मा गतिकी का नियम क्या होता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा W
डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, इन लोगों ने क्या किया, इसको दर में बना बराबर कर, दर में कन्वर्ट कर दिया इस क्वेश्चन को। मतलब हर जगह किसका भाग दे दिया है, डेल्टा टी का भाग दे दिया, और आपको मूर्ख बनाने का कोशिश किया गया है। यहाँ पे आपको हर जगह डेल्टा टी यानी कि समय में परिवर्तन का भाग दे दिया। अब देखो देखो क्या कह रहा है, किसी हीटर एक निकाय को 100 वाट की दर से ऊष्मा प्रदान कर रहा है। 100 वाट, अरे भाई वाट क्या होता है, वाट बराबर होता है, वाट यानी पावर, और पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। तो ये जो है आपके पास, ये निकाय को दी गई ऊष्मा की दर है, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ आएगा 100 वाट। ओके, यहाँ पर कितना आएगा 100 वाट, ठीक है 100 वाट ही रहने दो भाई, कोई हमें दिक्कत नहीं है। इक्वल टू कह रहा है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की वृद्धि की दर बताओ, तो बताएंगे ना हम, ये लो भाई यहाँ पे डेल्टा यू बाई डेल्टा टी रखेंगे, और प्लस के कार्य करने की दर कितना है बाबू, यहाँ पर कार्य करने की दर निकाय के द्वारा दर से कार्य करता है, ये देखो 75 जूल पर सेकेंड, फिर से आपको उल्लू बनाने का कोशिश किया है, 75 है ऊपर, जूल है पर सेकेंड है, मतलब ये क्या है भाई साहब, ये वही तो है, शक्ति ही तो दिया गया है, और यहाँ भी क्या मांग रहा हूँ मैं, शक्ति, कार्य बटे समय शक्ति होता है, तो ये हो गया कितना 75 जूल पर सेकेंड। माइनस कर दो इधर पे, तो डेल्टा यू बाई डेल्टा टी कितना बनेगा, 100 में से 75 गया, बोलो आंसर कितना, 25 जूल पर सेकेंड। तो आंसर कितना आ गया, 25 जूल पर सेकेंड, 25 जूल पर सेकेंड विल बी द योर आंसर। मजा आ गया क्वेश्चन को। बॉयल का नियम, ओके बॉयल का नियम क्या बताया था मैंने, बॉयल यानी अंडे बॉयल करो, अंडे बॉयल मतलब टेम्परेचर देना पड़ता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रख लो तो क्या रूल बन जाता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो होता है पी और वी का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, नियत ताप पर, नियत ताप पर जो गैस का दाब होता है वो उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही आपको लिखना था कि नियत ताप पर जो होता है ना, नियत ताप पर जो होता है गैस का, इधर पे बना देता हूँ मैं, देखो बॉयल का नियम बना देता हूँ मैं, बॉयल का नियम क्या है, क्या है बॉयल का नियम, ये है बॉयल का नियम, क्या कहता है बॉयल का नियम, कि नियत ताप पर जो गैस का दाब होता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये ग्राफ बनाना था और लिख देना था P इज इक्वल टू, P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, बस ये था बॉयल का नियम। देखो ध्यान से, अगर V बढ़ेगा तो P घटेगा, है ना, तो अगर जैसे जैसे आप V बढ़ते जा रहे हो, देखो P का मान क्या होता जा रहा, घटता जा रहा, P छोटा होता जा रहा है, बस ये बॉयल का नियम था। इसके नीचे इन लोगों ने क्या पूछा है, चार्ल्स का नियम पूछा है, वो भी बहुत सरल है। तो पीछे देखो, बॉयल के नियम में क्या कॉन्स्टेंट रहता है, तापमान कॉन्स्टेंट रहता है, तापमान यानी कि तापमान टेम्परेचर, और किस में बदलाव होता है, दाब में और आयतन में। ओके, चार्ल्स के नियम में क्या रहता, कांस्टेंट, भी कांस्टेंट रहता है ना, तो चार्ल्स का नियम आ जाओ भाई, चार्ल्स का नियम पढ़ते हैं। तो चार्ल्स का नियम क्या होता है, चार्ल्स का नियम होता है अगर आप वी को कांस्टेंट कर दोगे, ओके अगर आप वी को कांस्टेंट कर दोगे, एक मिनट, चार्ल्स का नियम क्या होता है, अगर V को कांस्टेंट कर दोगे तो P प्रोपोर्शनल टू T, यहाँ पे टेम्परेचर लीजिएगा, तो P और T क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, कि हम बोलेंगे कि ये थोड़ा सा यहाँ पे गलती हुआ मेरे से, V यहाँ पे P को कांस्टेंट करिएगा आप, ओके हाँ, यहाँ पे आप P को कांस्टेंट करेंगे तो क्या बोलेंगे, कि नियत दाब पर, लिख लो आप लोग, नियत दाब पर, ओके नियत दाब पर, ठीक है ना, नियत दाब पर जो होता है आदर्श गैस का आयतन, आदर्श गैस का आयतन तापमान के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ये है आपका कौन सा नियम हो गया, ये आपका चार्ल्स का नियम हो गया। ऊपर क्या पढ़ा आपने, ऊपर पढ़ा आपने बॉयल का नियम, तो बॉयल क्या था, नियत ताप पर, इधर भी लिख लो, नियत ताप पर आदर्श गैस की, गैस का दाब, आदर्श गैस का दाब किसके व्युत्क्रमानुपाती होता, आयतन के, आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना, आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये नियम हो गया। चलो अब आगे पढ़ते हैं, सरल आवर्त गति क्या है,
ओके, सरल आवर्त गति में मैंने आपको बताया था कि ये एक प्रकार की कैसी गति होती है, ये आवर्ती गति होती है जिसमें लगने वाला जो बल होता है वो माध्यावस्था से विस्थापन के समानुपाती होता है। यस, एक्स क्या था? माध्यावस्था से विस्थापन, और एफ क्या था? प्रत्यानयन बल। ओके, तो वह गति, ओके, वह आवर्ती गति जिसमें कण पर लगने वाला बल, माध्यम के कण पर लगने वाला बल, कौन सा बल? प्रत्यानयन बल। ओके, विस्थापन के समानुपाती होता है। विस्थापन के क्या होता है? समानुपाती होता है ना, और विपरीत दिशा में लगता है। माध्यम का जो बल होता है, कण पर लगने वाला बल, विस्थापन की विपरीत दिशा में लगता है एवं इसके समानुपाती होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? सरल आवर्त गति। तो नोट कर लीजिए इसमें, है ना, क्या बोलेंगे इसमें? लिखिए, वह आवर्ती गति जिसमें कण पर लगने वाला प्रत्यानयन बल विस्थापन के समानुपाती होता है। क्या लिखोगे? कण पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, कण पर लगने वाला प्रत्यानयन बल विस्थापन के समानुपाती होता है, ठीक है ना? तो क्या होगा? F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इस नियम को पालन करने वाली जो गति होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सरल आवर्ती गति, ठीक है? तो बस ये चीज़ आपको लिख के आनी थी और आपको दो नंबर मिल जाते, ज़्यादा कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अब इसका और वाला क्वेश्चन चलिए, तो अगला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे बीट्स की परिभाषा यानी कि आपको विस्पंद बताना है। तो विस्पंद मैंने आपको बताया भी था, एक बार फिर से बताता हूँ, इसको मैंने बहुत डिटेल में बताया था। ओके, एक्सक्यूज मी प्लीज़। तो मैं बात कर रहा था कि बीट्स के बारे में, कि बीट्स क्या हुआ करती है। तो बच्चों देखिए, हम क्या बात कर रहे थे कि जब बीट्स में मैंने आपको क्या बताया था, समझिएगा, कि जब लगभग दो बराबर आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें थीं, इसको ऐसा समझाऊंगा मैं कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास दो ध्वनि तरंगें हैं, एक आवृत्ति ये है और एक यहाँ पर आवृत्ति समहाउ थोड़ी सी चेंज हो रही है, समहाउ थोड़ी सी आवृत्ति यहाँ पे क्या हो रही है? बदल रही है, मतलब थोड़ा सा दोनों तरंगों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। तो जब लगभग बराबर आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें एक साथ उत्पन्न की जाती हैं, जब दो बराबर लगभग आवृत्ति की तरंगें एक साथ उत्पन्न हो जाती हैं, तो जब इनका क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है। जब इनका मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? इंटरफेरेंस को अध्यारोपण होता है, जी हाँ। तो एक साथ उत्पन्न होती हैं, तो अगर माध्यम में आकर के ये किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती, जैसे ये दोनों तरंगे मान लो माध्यम में आकर के किसी बिंदु पर अध्यारोपित हुई, तो होता क्या है कि किन्हीं बिंदुओं पर आयाम बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब कुछ इस तरीके से देखिए, आयाम बढ़ेगा इनका, ये देखिए, फिर घटना शुरू हो गया। यस, तो आप देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो एकदम से आयाम बढ़ रहा है और एकदम से आयाम क्या हो रहा है? घट रहा है। तो आपने देखा होगा पर्टिकुलरली कुछ बिंदुओं पर माध्यम पर आयाम बढ़ जाता है और कुछ बिंदुओं पर माध्यम पर आयाम क्या होता है? घट जाता है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं? ध्वनि की तीव्रता में जो उतार चढ़ाव होता है ना, ये इसको हम बोलते हैं विस्पंद बोलते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ पूरा पूरा पढ़ के। जब लगभग बराबर आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ उत्पन्न की जाती है, ओके, लगभग बराबर आवृत्ति, एग्जैक्टली सेम नहीं होंगी, है ना, लगभग बराबर आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें एक साथ उत्पन्न की जाती है, तो माध्यम में उनके अध्यारोपण से प्राप्त ध्वनि तरंग की तीव्रता बारी बारी से घटती है और बारी बारी से बढ़ती है। ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इस चढ़ाव और उतराव को हम क्या बोलते हैं? विस्पंद बोलते हैं। ओके, इन इंग्लिश, इन अकोस्टिक सबीट इज एन इंटरफेरेंस पैटर्न बिटवीन द टू साउंड्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज परसीव्ड एज अ पीरियोडिक वाइब्रेशन इन वॉल्यूम हुज रेट इज द डिफरेंस ऑफ टू फ्रिक्वेंसीज। यस, विद ट्यूनिंग इंस्ट्रूमेंट्स दैट कैन प्रोड्यूस सस्टेन टोन्स बीट्स कैन बी रेडियली रिकोगनाइज। चलो ठीक है, तो मैंने आपको दोनों भाषा बता दिया, हिंदी के बच्चे ज़्यादा जुड़े हुए हमसे, तो उनके लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जब बराबर आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ उत्पन्न हो जाती हैं और माध्यम के किसी बिंदु पर उनमें अध्यारोपण होता है, तो अध्यारोपण से प्राप्त होने वाली जो तरंग होती है उसकी तीव्रता या तो बार बार बढ़ती है और बार बार बारी बारी से घटती है। ओके, तो तीव्रता में होने वाले इस घटोत्तरी को और बढ़ोतरी को, चढ़ाव उतराव को हम क्या बोलते हैं? विस्पंद बोलते हैं। इनको इंग्लिश में बीट्स बोलते हैं, विस्पंद कहलाता है ये। ओके, इसका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने आपको क्लास में करके बताया था। चलो आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है विमी विश्लेषण के द्वारा टी इक्वल टू 2π अंडर रूट एल बाई जी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको बता रखा था टी इक्वल टू 2π जी का विमी विश्लेषण से कैसे करना है, ये आप लोग कर चुके हो, कई बार मैंने क्लास में कराया है और ये एग्जाम में भी पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी घन की प्रत्येक भुजा की माप 7.203 मीटर है, तो उचित सार्थक अंकों के साथ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन लग रहा मुझे ये, घन का आयतन। तो देखो बहुत ही सिंपल है, आप सबसे पहले इसकी भुजा को a मान लो, तो क्या करोगे? a इक्वल्स टू
ए इक्वल टू 7.203 मीटर, ये आपका एक भुजा हो गई है। अब आपको क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है। तो वी इक्वल टू क्या होता है, ए का क्यूब, तो आप ए का क्यूब कर दो तो 7.203 का क्यूब कर दो। अब आप एक चीज़ को मानो देखो, क्योंकि सार्थक अंक की बात की गई है, तो सार्थक अंक में रूल क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ का गुणा करते हो तो जो आंसर आना चाहिए उसमें भी उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने आपके मेन राशि में है। तो मुख्य राशि में यहाँ पर कितने सार्थक अंक है, चार। तो चार सार्थक अंक, इसका गुणा करने पर देखो कितना आता है आपके पास में, मैं गुणा कर चुका हूँ इसका, इसका गुणा करने पर आंसर आता है 373.7 तो अब आपको क्या करना है, इसको आपको राउंड ऑफ करना है, इसमें आपको तीन सार्थक अंक में लिखना है, सॉरी चार सार्थक अंक। तो सेवन के बाद वन है और वन के बाद इवन नंबर है, तो क्या हो जाएगा 373.7 आएगा इसका आंसर, और साथ में क्या लगेगा ना मीटर क्यूब, तो इसका करेक्ट आंसर आया है 373.7। क्योंकि क्यों आया ऐसा, क्योंकि यहाँ पे चार सार्थक अंक थे, तो उत्तर में भी कितना आएगा, चार ही सार्थक अंक आएंगे। ओके, गुणे में जितने सार्थक अंक होते हैं उतने ही सार्थक अंक आते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय, यस, और बताया था इसका स्टेटमेंट लिखना था, कार्य ऊर्जा प्रमेय को स्टेट लिखना था और साथ में प्रूफ भी करना था। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय मैंने क्या बताया था कि किया गया जो कार्य होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, और इसको प्रूफ भी करना बहुत आसान था। कार्य बराबर जो होता है हाफ एम वी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लेकर के आप इसको प्रूफ कर सकते थे। कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ये भी था, ठीक है। अगला, किसी स्प्रिंग को खींचने पर संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित करो। इंटीग्रेशन से भी कर सकते थे, बल गुणे विस्थापन से भी कर सकते थे। कौन सा सूत्र था, हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, एफ डब्ल्यू इक्वल टू संचित स्थितिज ऊर्जा डब्ल्यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला डेराइव करना था। कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध स्थापित करो। कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में आपको क्या स्थापित करना था, संबंध स्थापित करना था। तो क्या था भाई साहब, ओके, इसमें क्या फॉर्मूला हुआ करता था, टॉर्क इक्वल्स टू, ओके, क्या टॉर्क इज इक्वल्स टू डी एल बाई डी टी। ओके, ये आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना था बल आघूर्ण में और कोणीय संवेग में, आपको जो रिलेशन बनाना था टॉर्क इज इक्वल्स टू डी एल बाई डी टी। ओके, ये दोनों को आप दोनों पक्षों को हल करोगे तो आपके पास संबंध स्थापित हो जाएगा। बल युग्म किसे कहते हैं, बल युग्म के आघूर्ण के लिए, बल युग्म अगर किसी द्रव्यमान व्यवस्था पर आप दो बल को बराबर और विपरीत दिशा में दो बराबर और विपरीत बल लगाते हैं तो इसका जो घूर्णन प्रभाव उत्पन्न होता है इसको बलयुग्म कहते हैं। बलयुग्म का आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी। क्या होता है इसका सूत्र, बल गुणे लंबवत दूरी। ओके, तो बलयुग्म का आघूर्ण जो होता है वो कितना होता है, बल गुणे लंबवत दूरी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कारण स्पष्ट कीजिए। अब इसको कारण स्पष्ट करना है, कोई स्पिन क्रिकेट की वायु में परवलीय पथ का अनुसरण नहीं करती बल्कि स्विंग हो जाती है, तो इसका कारण क्या होता है, इस पर मैग्नस प्रभाव लगा करता है, मैग्नस इफेक्ट लगता है, तो दाब में अंतर आ जाता है। जिस तरफ स्विंग होती है उस तरफ दाब, जिस तरफ गेंद की घूमती है उस तरफ दाब अधिक हो जाता है, और जिस तरफ गेंद जो होती है इधर दाब कम हो जाता है। ओके, तो ऊपर का दाब अधिक और नीचे का दाब क्या हो जाएगा, या नीचे का दाब अधिक ऊपर का दाब कम हो जाएगा, उल्टा दोनों तरफ से होता है। एक जानते हो स्विंग में एक रिवर्स स्विंग होती है, ओके, और एक स्विंग इन द डायरेक्शन ऑफ एयर हुआ करती, तो दो प्रकार की स्विंग हुआ करती हैं। तो इसकी वजह से परिवर्तन आता है किसमें, वेग में, जो लेयर के ऊपर गेंद के ऊपर जो दाब काम करता है इसमें, और इसमें दाब में अंतर आता है। दाब में अंतर की वजह से बल काम करता है, और बल की वजह से ये जो गेंद होती है वो ड्रैग होती है, या तो वो नीचे जाती है या तो हवा में ऊपर जाती है, तो ये होता है, इसको बोलते हैं मैग्नस प्रभाव। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नस प्रभाव। चलो ये हो गया पूरा, ठीक है। कांच के स्वच्छ समतल पर जल फैलने का प्रयास करता है जबकि पारा उस पर बूंद बनाने का प्रयास करता है, तो ये क्या होता है भाई साहब, कांच में कौन सा बल लगता है, असंजक बल काम करता है, और यहाँ पर जो असंजक बल होता है कांच में उस ससंजक बल से ज़्यादा हुआ करता है, ससंजक बल से क्या होता है, ज़्यादा हुआ करता है। मगर यहाँ पर जो पारा हुआ करता है, पारे में कौन सा बल होता है, पारे में जो ससंजक बल होता है वो पारे के पारे से ससंजक बल वो जो होता है वो ज़्यादा होता है, किससे, असंजक बल से, है ना। इस वजह से पारा जो होता है सिमट करके बूंद बनाने का प्रयास करता है, मगर जो कांच होता है, पानी जो होता है पारा उसी पृष्ठ पर, कांच के स्वच्छ पृष्ठ पर समतल पर जल फैलने का,
मगर जो कांच होता है वो क्या करता है, समतल पृष्ठ पर फैलने का प्रयास करता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि कांच और पानी के बीच में कौन सा बल, ससंजक बल काम करता है, और कांच और पानी का जो ससंजक बल होता है, सॉरी कांच और पानी का जो असंजक बल होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये ससंजक और असंजक की थ्योरी लग रही है, जो सेम टाइप के हैं उनमें ससंजक होता है, जो अपोजिट टाइप के हैं उसमें क्या होता है, असंजक होता है। चलो भाई अगला, यदि किसी सरल लोलक का पृथ्वी के पृष्ठ पर आवर्तकाल 3.5 सेकेंड है तो चंद्रमा के पृष्ठ पर आवर्तकाल कितना होगा। भाई सब बहुत ही सरल क्वेश्चन है, टी इक्वल टू 2π अंडर रूट एल बाई जी, इसका दो बार इस्तेमाल आपको करना है, एक बार जी पर देखो, आपको टी कितना दिया 3.5 सेकेंड और आपको जी की वैल्यू बदल दी गई है कितनी 1.7, तो आपको दो बार काम करना है, एक बार T1 ले लेना है और एक बार आपको T2 ले लेना है, और दो बार यही फॉर्मूला लगाना है, L से L कैंसिल हो जाएगा, G की वैल्यू दोनों में रख देना, एक में 9.8 रख देना, एक में 3.5 रख देना, सॉरी 1.7 रख देना, और आपको इसको सॉल्व कर लेना है, तो आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अब 100 अगला देखते हैं। और 100 सेंटीमीटर की स्टील छड़ अपने मध्य बिंदु पर परिबद्ध है, अनुदैर्ध्य कंपनों की मूल आवृत्ति 2.53 किलो हर्ट्ज़ है, स्टील में ध्वनि की चाल कितनी होगी, इसको मैं एंड में कराऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 5 मार्क्स का, उन उन्यानियों के लिए जिनके मान 45 डिग्री से बराबर अधिक या कम है के लिए क्षैतिज परास बराबर होता है, इस कथन को सिद्ध कीजिए। बहुत ही बढ़िया है ये क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। हाँ देखिए, अब हम आ चुके हैं अपना मेन विंडो पे, कह रहा उन उन्नयन के लिए मतलब एलिवेशन जिसके लिए जो 45 थीटा का मान जो है, प्रक्षेपण का मान जो 45 से ज़्यादा है और 45 से कम है, ओके, तो आप जानते हो कि कह रहा क्षैतिज परास बराबर होती है, इसको सिद्ध करो, तो आपके पास फार्मूला क्या होता है, R=u² sin 2θ / g, ये फार्मूला होता है। अब आपके पास क्या बोला गया, थीटा की दो परिस्थितियाँ, एक है 45 से ज़्यादा यानी 45 प्लस अल्फा ले लो, और दूसरा 45 माइनस अल्फा ले लो, बस आपको इस पे ये शो करना है। आपको क्या शो करना है, आपको ये शो करना है, शुद्ध सिद्ध करना है कि इन दोनों पर परास बराबर है, मतलब आर किस पर निकालना है, पहले कोण पे 45, इसको थीटा 1 ले लो और इसको थीटा 2 ले लो, तो ऐसा कर लो R θ1 और R θ2, आपको दिखाना है कि R θ1 = R θ2, दोनों कोणों पर जो परास है वो बराबर है, आपको दिखाना है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो R θ1 मैं निकालूंगा इक्वल टू कितना होगा, u² sin 2 कितना 45 माइनस थीटा अपॉन कितना जी, यस चलिए सॉल्व करते हैं, तो u² sin यहाँ पे अल्फा है, ओके 45 माइनस अल्फा, तो साइन 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 90 माइनस कितना हो गया 2 अल्फा हो गया अपॉन में कितना जी, ओके, और यहाँ पे कितना आ गया देखिए u² sin 90 - θ क्या होता है, cos थीटा होता है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया cos 2 अल्फा अपॉन कितना जी, ये हो गया अपने पास R θ1। अब निकालते हैं हम लोग कितना R θ2, चलो R θ2 निकालते हैं, ओके चलिए, अब मैं आपको R θ2 निकाल के बताता हूँ। तो R θ2 का जो कोण है, एंगल क्या है, आपका एंगल कितना है 45 प्लस, थोड़ा गलती हो गया, R θ1 45 प्लस अल्फा था, तो कोई नहीं आप समझ लो, इतने बड़े बच्चे आप लोग, पहले को माइनस कर दो और दूसरे को प्लस कर दो, कोई फर्क नहीं होता। चलो तो यू, अब मैंने पहले 45, तो u² sin 2 ब्रैकेट में करो और 45 प्लस अल्फा बटे कितना जी, चलो हल करता हूँ इसको, मैं बनाता हूँ, तो R θ2 पर जो आपका हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि क्या बोलते हैं उसको, क्षैतिज परास जो आएगा वो कितना आएगा, R² u² sin ये कितना हो गया 90 प्लस 2 अल्फा अपॉन कितना जी, आपको पता है साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, तो u² इधर आएगा कॉस 2 अल्फा बटे कितना जी, दोनों को ध्यान से देखो दोनों एक ही है, ओके मतलब R θ1 = R θ2, इसका मतलब जितना आपको परास मिल रहा है 45 माइनस अल्फा पे उतना ही आपको परास मिल रहा है कितने पे, 45 प्लस अल्फा पे, यही आपको सिद्ध करना था कि 45 माइनस अल्फा पर जो परास मिल रहा है वो 45 प्लस अल्फा के परास के क्या है, बराबर है। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन आया था, काफ़ी सरल क्वेश्चन था ये, और जो प्रैक्टिस बच्चे करके गए होंगे उनसे ज़रूर बना होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। वह प्रक्षेप कोण ज्ञात कीजिए जिसके लिए क्षैतिज परास और ऊंचाई बराबर है। यस, वह प्रक्षेप कोण ज्ञात कीजिए जिसके लिए क्षैतिज परास और ऊंचाई बराबर है। चलिए इसको हम करते हैं। तो क्या फाइंड करना है जिसके लिए क्षैतिज परास और ऊंचाई बराबर है। ओके, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि वह प्रक्षेप कोण ज्ञात करना है जिसके लिए क्षैतिज परास और ऊंचाई बराबर है। मतलब कंसेप्ट क्या कह रहा है कि जो आपका क्षैतिज परास है वो ऊंचाई के बराबर है। ऊंचाई के क्या बराबर है? तो क्षैतिज परास क्या होता है? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। और ऊंचाई क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। ये होता है फॉर्मूला। इसको सॉल्व कर लो। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल। साइन टू थीटा को मैं लिखूंगा कितना? टू साइन थीटा इन टू कॉस थीटा। और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया, साइन थीटा एक बारी, साइन थीटा दो बारी, साइन थीटा अपॉन में कितना बचा है? टू बचा है। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया और आपके पास में देखो ये आपके पास में क्या हो गया? ये हो गया फोर। यहाँ पे बचा कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ओके, तो अब एक काम करो, आप क्या करना, आपको फोर को इधर रोक दो और यहाँ पे साइन के नीचे क्या ले आओ? कॉस थीटा को ले आओ। तो कितना बन गया आपके पास में? टेन थीटा बराबर फोर। ओके, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स का फोर। थीटा बराबर कितना हो गया? यहाँ लिख देता हूँ फिर से मैं, टेन इनवर्स का फोर। तो ये कोण था, पूछा गया था कौन से कोण पे बराबर होता है, वह प्रक्षेप कोण बताना है। तो आंसर थीटा बराबर टेन का इनवर्स, और कितना लिखना था आपको? फोर लिखना था। ठीक है, टेन इनवर्स फोर ये आपको करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, काफी बड़ा क्वेश्चन था। दो विभिन्न ऊष्मा चालकता गुणांक ऊष्मा चालकता की समान लंबाई की छड़ों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। संयुक्त छड़ की ऊष्मा चालकता का गुणांक ज्ञात करना है। संयुक्त छड़ की ऊष्मा चालकता, तो आपको याद होगा मैंने करवाया था K1L1 + K2L2, ओके, अपॉन L1 + L2, ऐसा कुछ कराया था। तो यहाँ पे समान लंबाई की छड़ को, समान लंबाई मतलब दोनों का L1 L2 बराबर है ना, तो इसका आंसर होना हो आना चाहिए कितना? K1 + K2 / 2 आना चाहिए। अलग अलग है, सीरीज में जोड़ा गया था। तो ये मैं आपको अपना जो टॉपिक है, जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसमें करा रखा है, उसमें आप देख लीजिए। समतापी प्रक्रम, मैंने बोला था कि समतापी प्रक्रम में वर्क डन आएगा, जरूर आएगा। 2.303 लॉग ऑफ है ना आर टी लॉग V1 - V2 करके डेरिवेशन है। ये भी मैंने आपको समतापी प्रक्रम को अपना जो डेरिवेशन है मेन, वहाँ पे मैंने करवा रखा है इस चैप्टर में। समतापी प्रक्रम मैंने कराया है, आप लोग वहाँ से, मैंने आपको वीडियो लिंक भी शेयर किया था एग्जाम के पहले कि आप लोग इसको देख लीजिए। तो ये हमारा आ चुका है। ओके गाइस, सो ये हमारा चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं, और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडीज ऑन। स्टिल आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन लग रहा है कि मैं बताऊं उसको दोबारा, आप लोग जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में शेयर करिए।